साहिवाल से सिटी टीवी पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी अरशद सरदार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद का जिला उकाड़ा का विजिट। आरपीओ महबूब रशीद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस उकाड़ा में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर मंसूर अमान, ईएसपी रिनाला सर्कल मुनस्सा करामत, एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक ताऊत और जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। शहरियों के जान माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम हर लम्हा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुनैद पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, गश्त के निजाम को मजीद मौसर बनाएं ताकि माशरे में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखा जाए। पुलिस अफसरान और जवान फील्ड में शरीफ शहरियों के साथ खुश अखलाक रवैया रखें। तमाम एसएचओस अपने थाना में रोजाना की बुनियाद पर 4 बजे से 6 बजे शाम आवाम उन्नास के लिए हाजिर रहें। पुकार 15 पर मौसूल होने वाली इतला पर मुतालिका एसएचओ या ड्यूटी ऑफिसर फौरी रिस्पॉन्स दे। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने कहा कि पुकार 15 पर झूठी इत्तला देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। गैर कानूनी हिरासत पुलिस और टॉर्चर सेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एसएचओ इस बात का जवाबदेह होगा। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी और अंदराजे के मुतालिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। लड़ाई झगड़ा करने वाले फरीकीन के खिलाफ इंसाफी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। मंशियात फरोशों, आइस डीलर्स, बदमाशों, रस्सागीरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। बाद क्राइम मीटिंग आरपीओ महबूब रशीद ने उकाड़ा लेडीज पुलिस स्टाफ के साथ मीटिंग की, जिसमें लेडीज पुलिस के मसाइल सुने जिनके लिए डीपीओ उकाड़ा को हिदायत जारी की। लेडीज पुलिस के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर क्या करें, लेडीज पुलिस हमारा अहम रुकन है।